हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एमीवी की तरफ से। तो अभी आपको पता ही होगा, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ था कि जो अफवेक हैं उन्होंने एमीवी के डब्लू ट्रैक पर रिएक्शन वीडियो बनाया हुआ था और उसकी एक लाइन को लेकर वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। तो उसी पर अभी जो रोहन कारियप्पा हैं उन्होंने भी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप खुद देख सकते हो उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है। एमीवी बंटा ने अपने लेटेस्ट गाने में एक लाइन बोली कि ये साले यूट्यूब पर हमें जज करने बैठे हैं और इसको सुन के अफवेक बिल्कुल भी खुश। अफवेक को एमीवी बंटा से नाराज होता हुआ देख के एमीवी बंटा के फैंस अफवेक से नाराज हो वो बोलने लगे, तू अकेला थोड़ी ना जो जज करता है यूट्यूब पे, किसी और को बोला होगा। एंड आई एग्री, शायद किसी और को ही बोला होगा, बट हर फैन बेस का एक छोटा सेक्शन होता है जिनको ज्यादा कॉन्टेक्स्ट का आइडिया नहीं होता। वो तो पहुंच जाते क्रिएटर्स के डीएम में बोलते हुए कि ओए लास्ट रिएक्शन में ज्यादा जज कर रहा था ना, इस बार बंटा ने मार ली। डीएचएच इंडस्ट्री की इजी टारगेट्स की लिस्ट पे सबसे टॉप पे हमेशा ही रिएक्शन चैनल्स रहते हैं। रिएक्शन चैनल के साथ वो प्रेजुडिस जुड़ गया है कि वो लो एफर्ट कंटेंट बनाते हैं और इन सब के बीच में एमीवी बंटा भी मिक्स सिग्नल्स देते हुए नजर आ रहे हैं। एक साइड वो बोलते हैं कि मेरे गाने को जज मत करो, दूसरी साइड वो इंस्टाग्राम स्टोरीज ऐसी लगाते हैं जिसमें रिएक्शन चैनल्स उनके गाने पे क्रेजी तरीके से वाइब कर रहे हो। बेसिकली जजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज जजमेंट पॉजिटिव। एंड ऐसे अगर हर रैपर हर रिएक्शन चैनल से ये एक्सपेक्ट करने लगा कि मेरा माउथपीस बना रहे, तो हर डीएचएच कंटेंट क्रिएटर आपको ऐसा कंटेंट बनाता हुआ नजर आएगा जो आज से 2 साल पहले श्रिव बना। एंड इट्स सेफ टू अज्यूम दैट दैट इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। हैविंग सेड दैट, अफवेक रिएक्शन की मैं अपने कोई पर्सनल ओपिनियन आपसे दूंगा नहीं, बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे आके गाली दे दी है, इज आल्सो नॉट दैट ग्रेट। कोई 100-200 गाली के लिए अपने चैनल की सैंक्टिटी खराब करता है। तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है कर्मा की तरफ से। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि कर्मा ने एक स्टोरी डाली हुई थी जिस पे लिखा हुआ था डिसिंग ऑन द रील्स एंड एल्बम एंड इट इट फ्लॉप्ड दे डिजर्व इट। तो इसके बाद जो लोग आए उन्होंने इसका रिप्लाई करते हुए एक स्टोरी डाली हुई थी, हालांकि इस स्टोरी को उन्होंने कुछ ही देर में डिलीट भी कर दिया हुआ था। इसमें उन्होंने लिखा हुआ था पूरे एल्बम में एक गाना रील से चला, लेवल डूब चुका है, व्यूज के पहाड़ को ठोक के एवरी आर्टिस्ट लेफ्ट ऑन अ बैड नोट एंड डिसअपॉइंटेड, हाउ कैन यू बी ब्लाइंड टू दिस, फिर भी हाइपोक्रेसी ऑन टॉप दैट्स अट्रैक्टिंग बैड कर्मा, 3 मिलियन स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई विद 6 सॉन्ग्स ओनली एंड दिस हैमस्टर इज टेकिंग शॉट्स एट मी, गाने निकाल भाई, बहुत ड्रामा करते हो तुम लोग। इसके बाद कर्मा ने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला हुआ था जिसके कैप्शन उन्होंने लिखा हुआ था नो पैड प्रमोज, मतलब कि लोका की जो एल्बम आई हुई थी उसके काफी प्रमोज वगैरह भी चले हुए थे पैड। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है शुभ की तरफ से। जो कंगना रनौत है उन्होंने पहले शुभ के बारे में काफी कुछ बोला हुआ है, तो अभी शुभ की ईपी आई हुई है जिसमें कि उन्होंने कंगना रनौत को भी रिप्लाई किया हुआ है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।